छत्तीसगढ़ राज्य से केंद्र की सरकार, पूरी देश की सरकार है। सांसद जी उनको प्रधानमंत्री से 50 लाख दिलवाए ना, हमने मना थोड़ी किया है, क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? क्योंकि वो मेरे क्षेत्र का मतदाता है, मेरा भी दायित्व तो है, वो जिन्होंने मांग किया है वो खल्लारी क्षेत्र का मतदाता है और मैं यहाँ का विधायक हूँ, इस नाते मैं भी दलगत राजनीति से ऊपर माननीय सांसद जी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि उनको आर्थिक सहायता, अगर वो जिस बात को मांग कर रहे हैं 50 लाख दिलवा दें तो मैं उनको हृदय से मैं व्यक्तिगत उनके निवास पहुंच के धन्यवाद दूंगा। जब चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी के पास बोनस, चुनाव हुआ तो चुनाव के बाद कोनस किसान चला है। खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश यादव का सांसद चुन्नीलाल साहू से निवेदन। छुईया के किसान की आत्महत्या का मामला, केंद्र सरकार से बड़ी मदद दिलाने की रखी मांग। छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव व खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश यादव ने किसान की आत्महत्या मामले में किसान के परिजनों को केंद्र सरकार से बड़ी मदद दिलाने की मांग महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू से की है। आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से किसान के परिजनों को कौन सी बड़ी राहत व सहायता दिलाने की मांग खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश यादव कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम उस सोकालू परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनको संबल प्राप्त करे और ईश्वर उनको श्री चरणों में अपना स्थान भी दे, श्रद्धा सुमन अर्पित भी करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ में राजनीति करती है, आत्महत्या का कारण कुछ भी हो लेकिन सरकार की योजना का लाभ मिला है, उनका कर्जा माफ़ी भी हुआ है, राजीव गांधी न्याय योजना का भी उनको लाभ मिला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसान आत्महत्या किया है तो उसमें 50 लाख रुपये मुआवजा और एक नौकरी देने की बात भारतीय जनता पार्टी के जो जांच टीम आई थी उनके द्वारा भी यही कहा गया है कि उनको नौकरी भी दे। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के हुकूमत में खल्लारी विधानसभा में कई आत्महत्या हुए लेकिन हमारे जब नेता आए थे तो हमारी पार्टी सरकार में नहीं थी तो भी पीसीसी हमारे कांग्रेस पार्टी के फंड से 50,000 रुपया आर्थिक सहयोग भी किए। भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको 1 रुपया की मदद नहीं किए जो आए थे आर्थिक रूप से। दूसरी बात, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 4 लाख के आर्थिक मदद के लिए निर्देशित किए हैं, बहुत जल्दी उनको मिल जाएगा। 50 लाख की हमसे मांग करने के बजाय दिल्ली की सरकार के पास बड़ी बजट होती है, बड़ी धनराशि है और केंद्र की सरकार पूरी देश की सरकार है। सांसद जी उनको प्रधानमंत्री से 50 लाख दिलवाए ना, हमने मना थोड़ी किया है, क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? दूसरी बात, सांसद जी उनको आर्थिक लाभ दिलाने के बजाय फसल बीमा, माननीय सांसद, फसल बीमा में हेर फेर हुआ। अगर फसल बीमा में हेर फेर हुआ तो आपको महासमुंद के लोकसभा के जनता सांसद के पद पर अपना बहुमत दिए, आप सांसद भी बने, तो दिल्ली के सदन में इस बात की जांच की मांग क्यों नहीं की आप इतने दिन तक कि अनावरी गलत हुआ है? और अनावरी और फसल बीमा का जो नियंत्रण पहले राज्य सरकार की बात थी फसल बीमा का, वो कहीं कहीं केंद्र सरकार अपने ऊपर ले ली है। मैं ये कहता हूँ कि अगर वहाँ पर फसल बीमा अनावरी में गलती हुई है तो माननीय सांसद जी उसकी शिकायत क्यों नहीं किए और शिकायत की जांच में जांच होनी चाहिए, आज भी मैं तैयार हूँ। और अगर गलत हुआ है तो कानून में व्यवस्था है, कोई प्रशासन के अधिकारी या कोई कर्मचारी गलती करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। आप मेरे हिसाब से आज दिनांक तक के केवल चैनल में बोले हैं सांसद महोदय, जबकि उनको पहले ही इस बात का शिकायत करना चाहिए, सदन में उठाना चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किसान के बेटा मुख्यमंत्री बने हैं। पूरे हिंदुस्तान में किसानों के लिए जो काम मुख्यमंत्री जी किए हैं, रिकॉर्डेड बोल रहा हूँ, आप भी मीडिया से हैं, किसी भी किसान से पूछ लीजिए, 2640 रुपये के दाम में पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर धान नहीं बिका है कि कोई भी किसानों का।
मैं ये भी बताना चाहूँगा, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र में आप स्वयं चल दीजिए, 1200, 1300, 1400, 1500 में वहाँ के किसान धान बेचते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने, हमारे माननीय भूपेश बघेल जी को पाटन क्षेत्र की जनता ने विधायक बनाया और हमारे दल ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। उसका परिणाम रहा कि 2 घंटे के अंदर 9000 करोड़ की कर्जा माफ़ी की प्रक्रिया की शुरुआत किसी ने किया है हिंदुस्तान के अंदर, तो वो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जो किसान हितैषी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड में है, आप सर्च कर लीजिए, 15 साल के हुकूमत में केवल और केवल 102 करोड़ की कर्जा माफ़ी, 2 साल की बोनस। जब चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी के पास बोनस, चुनाव हुआ तो चुनाव के बाद बोनस किसान चला है। और बता दूं कि आप रजिस्ट्री कार्यालय में खंगाल लीजिए, 15 साल के हुकूमत में जितना खल्लारी विधानसभा में किसान जमीन बेचे हैं, शायद प्रदेश लेवल पे भी स्थान पा सकता है। उसका कारण है, आप जाइए, दिल्ली का व्यापारी यहाँ ज़मीन खरीदा है, बॉम्बे का व्यापारी मिलेगा, रायपुर का मिलेगा, हरियाणा का, पंजाब का, 150-150 एकड़ का अगर बाड़ी देखना है, 150 एकड़, 200 एकड़, 50 एकड़ का प्लाट देखना है, तो खल्लारी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के शासन में प्लाट बनाए हैं। जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग थे, किसान ने धान जमीन बेचा, अगर उनको उनके हित में सरकार नीति बनाती तो किसान को जमीन नहीं बेचना पड़ता। आप चैनल के माध्यम से सर्वे कर लीजिए, 4 साल में जमीन की दाम, उनके 15 साल में जिस गांव में 5 लाख रुपया में जमीन बिक रही थी, जमीन की दाम थी, आप सर्वे कर लीजिए। मैंने कई गाँव में अपने विधानसभा के किसान भाइयों से पूछा है कि 4 साल पहले आपके ज़मीन का दाम क्या था, तो उनके द्वारा बोला जाता है 4 लाख 5 लाख। कोई गांव में आज बोलते हैं, हम अल्लाह तो ज़मीन बेचना नहीं है, लेकिन लेवैया मन आए रहीन तो हमन 10 लाख या 15 लाख के बगैर नहीं दन, और अगर कोई बेची भी हो ही तो 10 लाख के दाम में बिके। ये रजिस्ट्री कार्यालय के रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। दूसरी बात, ये लोग हमारी सरकार के ऊपर लो वोल्टेज का बस आरोप लगा पाए हैं, लेकिन किसान ने 9 साल की से मैं परेशान हूँ लिखा है, इस बात को मैं स्वीकारता हूँ, तो हमारा भी 4.5 साल है, उनका 4.5 साल है, 9 साल तो हमारी सरकार नहीं हुई है। और कल मैं न्यूज में देखा, जो मृतक हैं उनके पुत्र ने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रदर्शन किया है, और उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं का लाभ हमें मिला है, और वो सांसद माननीय सांसद महोदय से, केंद्र से, प्रधानमंत्री से आर्थिक सहयोग की मांग किया है। चूंकि वो मेरे क्षेत्र का मतदाता है, मेरा भी दायित्व तो है, वो जिन्होंने मांग किया है वो खल्लारी क्षेत्र का मतदाता है और मैं यहाँ का विधायक हूँ, इस नाते मैं भी दलगत राजनीति से ऊपर माननीय सांसद जी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि उनको आर्थिक सहायता, अगर वो जिस बात को मांग कर रहे हैं 50 लाख दिलवा दें, तो मैं उनको हृदय से मैं व्यक्तिगत उनके निवास पहुँच के धन्यवाद दूंगा। और मैं इस, अगर 50 लाख संभव नहीं है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 4 लाख दिए हैं, तो दिल्ली की सरकार कितने राज्यों का सरकार है उससे गुणा करके दिलवा दे, एक राज्य का 4 लाख। और इस बात को भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मृतक का सुपुत्र केवल और केवल, जब मैं संवेदना व्यक्त करने गया था तो केवल 4 लाख ही मेरे से मांगा है, और केंद्र सरकार से जो उतना मांग रहा है उतना कर देना चाहिए, आप पूछ सकते हैं जाके, वो स्वयं बोला था। मैंने ये पूछा कि सरकार आपको कितना मदद करेगी तो आपका व्यवस्था हो सकता है, तो उन्होंने केवल और केवल 4 लाख बोले थे, जितना उन्होंने मांगा उतना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिए हैं। अब
बारी है सांसद जी का, गरीब हैं बेचारे, परेशान हैं, 5 एकड़ का किसान है, बोर ज़्यादा करवा लिया, वही उसके कर्जे का परिणाम। और मैं जो महसूस करता हूँ, कहीं न कहीं उसी कर्जे से परेशान था जो बोर ज़्यादा हुआ। और मैं इस बात का प्रयास कर रहा हूँ कि मृतक को पानी कम मिला। मैं शासन को पत्र भी लिखा हूँ कि जैसे फसल कटे तो सरकार की ओर से एक बोर भी उनको करा के दिया जाए, ईश्वर चाहे तो अच्छा पानी मिल जाए, जिससे कि उसकी पिता की इच्छा की पूर्ति भी हो जाए और उसका पुत्र अच्छे से अच्छे खेती कर सके। तो ये थे संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन और वर्तमान खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश यादव जी, जिन्होंने बताया कि मृतक कृषक के जो परिजन हैं उनके पुत्र ने जो मांग शासन से रखी वह शासन ने पूरी कर दी है। अब उनकी मांग केंद्र शासन से है और केंद्र शासन भी उनकी मांग को पूरी करे। अगर केंद्र शासन उनकी मांग को पूरी करती है तो ये स्वयं जाकर सांसद महोदय के निवास पर पहुंचकर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। अब देखते हैं, राज्य सरकार ने मृतक के परिजनों की मांग तो पूरी कर दी, अब केंद्र सरकार क्या करती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सोनी के साथ मैं भास्कर राव।